नमस्ते, इजी आयुर्वेद में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अंकिता शर्मा। आज का प्रश्न है, क्या ईसबगोल लंबे समय तक इस्तेमाल करने से आंत कमजोर हो जाती है या इसका कोई अन्य दुष्प्रभाव है? देखिए, ईसबगोल एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिसका उपयोग कब्ज, पेट के अफारे, दाद, बवासीर आदि के उपचार के लिए किया जाता है। इसे आयुर्वेद में अश्वगोला के रूप में जाना जाता है और इसका वानस्पतिक नाम प्लांटागो ओवेटा है और ये प्लांटागिनेसिय परिवार से संबंधित है। वैद्यामृतम ग्रंथ के अनुसार ईषद गोलम परम वृष्यम मधुरम ग्राही शीतलम पिच्चिलम तुवरम किंचित वातकृत कफ पित्त हृत रक्त अतिसार अस्त्र पित्तम नाशयेदि इति कीर्तितम्। जिसका अर्थ है कि ईसबगोल आकार में कुछ गोलाकार, कामोत्तेजक, शोषक, शीतलक, प्रकृति में चिपचिपा, स्वाद में कसैला, वात दोष को थोड़ा बढ़ाता है और कफ और पित्त दोष को शांत करता है। यह खूनी दस्त और अन्य रक्तस्रावी रोगों में उपयोगी है। ईसबगोल या जाइलम की भूसी कोलन में पानी बनाए रखने के द्वारा एक रेचक के रूप में कार्य करती है। यह मल को नम और द्रवीभूत करता है जिससे मल के त्याग में आसानी होती है, इसलिए यह कोलन की गति पर कम प्रभाव डालता है। इसीलिए हम यह नहीं कह सकते कि यह आंतों को कमजोर करता है, लेकिन ईसबगोल के बीज या भूसी के अधिक उपयोग से मध्यम से गंभीर विरेचन हो सकता है जिससे डिहाइड्रेशन हो सकता है। प्रतिदिन 25 ग्राम की उच्च मात्रा में 11 स्वस्थ व्यक्तियों में ईसबगोल का परीक्षण किया गया। इसके परिणाम स्वरूप फॉस्फोरस और लोहे का मूत्र उत्सर्जन हुआ, कैल्शियम फॉस्फोरस और लोहे का मल उत्सर्जन और सीरम कैल्शियम फॉस्फोरस और आयरन के स्तर में काफी कमी आई है। इसलिए यह दीर्घकालिक उपयोग के लिए आदर्श नहीं है जो कि 3 से 4 महीने से अधिक है। तो कब्ज के रोगी हर 2 से 3 महीने में एक बार ईसबगोल, त्रिफला, हरितकी, इंडियन सेना आदि के बीच स्विच कर सकते हैं। कीमोथेरेपी प्राप्त करने वाले स्तन कैंसर के रोगियों में मौखिक म्यूकोसाइटिस की रोकथाम और उपचार में प्लांटागो ओवेटा आधारित हर्बल यौगिक के प्रभावों पर एक शोध अध्ययन किया गया है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आयुर्वेद के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया easyayurved.com पर जाएं।